नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिवेदी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जनपद बुलंदशहर के नगर शिकारपुर के मोहल्ला अंबेडकर नगर में पीड़ित युवक मजदूरी कर जब अपने घर वापस आ रहा था, तभी दबंगों ने उस पर जोरदार हमला कर उसे अधमरा कर दिया। वहीं जब पीड़ित युवक के परिजन ने शिकारपुर पुलिस को पूरा मामला बताया तो पुलिस ने मदद करने की बजाय गलत बर्ताव किया। खबर जालौन के कोतावली क्षेत्र से है, जहां स्विमिंग पूल में नहाने गए किशोर को संचालक ने तालिबानी सजा दी और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो देखकर परिजन किशोर को लेकर तुरंत थाने पहुंचे। यूपी के मेनपुरी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब उन्होंने 30 अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गैंग के अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बता दें कि उनके पास से पुलिस ने एक कार सहित 68 मोटरसाइकिल बरामद की, जिनकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए है। इस शातिर लुटेरे आसपास के जनपदों के अलावा कई राज्यों में भी वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। वाहन चोरों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से करहल थाना क्षेत्र में 4 अभियुक्त पकड़े गए वाहन चोर, जिनके कब्जे से हमको वाहन बरामद हुए। उसके बाद से इनकी कड़ियां सूत्र एक एक जब पिरोने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पूरे जोन में इस तरह के आपराधिक कृत्य किए गए हैं। विभिन्न जनपदों से वाहन चुराना, ला करके उसको बेचना, ये कार्य किया गया। इसमें कड़ियों को जोड़ते जोड़ते अब तक कुल 30 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और 68 वाहन बरामद हुए हैं, एक चारपहिया वाहन भी है। ये न सिर्फ मैनपुरी में बिल्कुल आसपास के जनपदों में भी ये वाहन चोरी करते हैं, कभी यहाँ बेच देते हैं, कभी दूसरे जनपद में जाकर के जैसा भी होता है ये जाकर के बेच देते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, यहाँ तक कि इनके दूसरे प्रदेश में भी जाकर के ये वाहन चोरी करते हैं और बेचते हैं। अभी इस ग्रुप पे और भी काम हो रहा है, उम्मीद है कि और भी वाहन बरामद होंगे। खबर संभल से है, जहां लाखों की कीमत की दवाइयां गायब हो रही हैं। दवाइयों के गायब होने से अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इन दवाइयों की कीमत लगभग 8 लाख बताई जा रही है। चीफ फार्मासिस्ट की तहरीर पर अस्पताल कर्मी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है और अब पूरे मामले की जांच की जाएगी। रायबरेली भदोकर थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहाँ गैंग पीड़िता ने तंग आकर एसपी कार्यालय के सामने मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या की कोशिश करने लगी और जैसे ही पुलिस ने उसको ऐसा करते देखा तो पुलिसकर्मी ने पीड़िता की जान बचाई। बता दें कि पीड़िता पिछले 4 सालों से न्याय के लिए दर दर ठोकरें खा रही थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यूपीएसआईडीसी की जमीन से अवैध कब्जा हटाने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और मीडिया कर्मियों से भी गाली गलौज करने लगे। पूरा मामला गनौर थाना गांव के नूरपुर का है। बुलंदशहर के थाना चोला क्षेत्र का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बोलेरो कार की खिड़कियां खोलकर उस पर सवार कुछ युवक सड़क दुर्घटना से बेखौफ नाचते नजर आ रहे हैं। खबर सहारनपुर से है, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का सहारनपुर पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के दौरे को लेकर रेलवे स्टेशन परिसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन का भ्रमण कर रेलवे अधिकारियों संग व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। आज सहारनपुर के इस पवित्र भूमि में माता शकंभरी देवी जी के आशीर्वाद सहित इस पवित्र भूमि में रेलवे की, टेलीकॉम की, पोस्ट की, आईटी की और दूसरी जितनी जनसंपर्क से जुड़े हुए विभाग हैं, उन सब विभागों में किस तरह से विकास का काम चल रहा है, आप सबके सुझाव लिए गए, उन सुझावों पे जल्दी से जल्दी काम होगा। सहारनपुर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। यहाँ से जो रेलवे की फैसिलिटीज जिस तरह की अभी है उनमें और बहुत सारे परिवर्तन लाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को एक सुगम
और एक बहुत अच्छा साधन मिले, साथ ही साथ और भी इस क्षेत्र में जिस तरह की समस्याएं होंगी जनप्रतिनिधियों से आपसे सबसे मिलके उनके समाधान के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास किए जाएंगे। ताजा मामला सिद्धार्थनगर जिले का है, जहां पीड़ित ने SDM डुमरियागंज विकास कश्यप और SHO संजय मिश्रा पर आरोप लगाया है कि ये लोग मेरी फरियाद नहीं सुनते हैं और उल्टा मेरे ऊपर ही कार्रवाई कर रहे हैं, और ये भी आरोप है कि ये लोग विवादित जमीन को, जो पहले से ही न्याय में दो दो मुकदमा चल रहा था, उसको अवैध कब्जा कराने का आरोप लगाए हैं। हरदोई के लोनार कोतवाली इलाके की रहने वाली एक युवती ने फरुखाबाद के एक युवक पर बहला फुसला कर ले जाने और 4 साल तक बिना शादी के रखने, रेप करने और गर्भवती होने पर उसे गांव के बाहर छोड़ जाने का आरोप लगाकर पुलिस को शिकायत पत्र दिया है। पुलिस पूरे मामले में FIR दर्ज कर कार्रवाई की बात कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।